फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, बराबर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि उसकी तीन मेथड्स थी। पहली मेथड थी प्रोडक्शन मेथड, दूसरी मेथड थी इनकम, तीसरी थी एक्सपेंडिचर, बराबर वो तीनों मेथड्स हमने देख ली। अब जीडीपी निकालने के दो बेसिस हैं, क्लियर? कितने बेसिस हैं? दो बेसिस हैं। देयर आर टू बेसिस टू कैलकुलेट जीडीपी। जीडीपी आप दो बेसिस पर निकाल सकते हो। पहला होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दूसरा होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब अपने को यह समझना है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर अपने को कुछ फॉर्मूले समझने हैं, क्लियर? जीडीपी दो बेसिस पे निकाली जा सकती है। पहला बेसिस होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दूसरा बेसिस होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस? तो पहले अपन समझेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एक बार जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट समझ गया तो फिर अपन समझेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्लियर? चलिए लेट स्टार्ट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। लेट से कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ठीक है, कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, ये टेबल बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? टेबल, ठीक है। कैन आई से टेबल इसका फिनिश गुड होगा? बोल सकता हूं मैं, ठीक है, टेबल इसका फिनिश गुड होगा। अब इस टेबल को बनाने के लिए इसको कुछ सामान लगेगा, बराबर? टेबल को बनाने के लिए इसको कुछ सामान लगेगा। क्या क्या लगेगा? चलो रॉ मटेरियल लगेगा, तो क्या क्या लगेगा? एक तो वुड लगेगा, ठीक है, दूसरा फेविकॉल लगेगा, तीसरा टूल्स लगेंगे जिससे टेबल बनाएगा, फोर्थ, भाई खुद तो नहीं बनाएगा, लेबर लगेगा, बराबर, फिफ्थ हो सकता है इसके अलावा उसको नेल्स लगे, कीले वगैरह, जिससे वो पूरा टेबल को एक साथ अरेंज करेगा, बराबर। तो इतनी सब चीजें उसको टेबल बनाने में लगेंगी। तो जो सामान आपको किसी चीज को बनाने में लगता है ना, जो सामान आपको किसी चीज को बनाने में लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इतनी सब चीजों से, है ना, इतनी सब चीजों से ये मैन्युफैक्चरर टेबल बनाएगा, क्लियर हो गया? इतनी सब चीजों से ये टेबल, ये मैन्युफैक्चरर टेबल बनाएगा, तो टेबल इसका फिनिश गुड हो गया, बराबर। अब मुझे बताइए, क्या मैन्युफैक्चरर को ये सब सामान फ्री में मिलेगा? वुड, फेविकॉल, टूल्स, लेबर, नेल्स, ये सब फ्री में मिलेगा? नहीं सर, इस सब के लिए तो उसको कॉस्ट लगेगी, खर्चा लगेगा ना, ये कहीं से खरीद के लाएगा। सो लेट्स से कॉस्ट लगी 100 रुपए, ठीक है, कॉस्ट लगी 100 रुपए। क्या ये मैन्युफैक्चरर टेबल को 100 रुपए में ही बेच देगा? नहीं सर, इसमें वो प्रॉफिट भी जोड़ेगा। तो प्रॉफिट जोड़ा सपोज 20 रुपए, तो मुझे बताओ सेल प्राइस कितना आ गया? कितने रुपए में अब ये टेबल बेचेगा? 120 रुपए में बेचेगा। तो जब आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हो तो सेल प्राइस आ गया। जब आप इस प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट करते हो, जीडीपी कैलकुलेट, तो उसको बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्लियर? लेकिन 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 इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज करता हूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। देखते हैं क्या है। लेट से थोड़ा और इंप्रोवाइज करेंगे। लेट से एक मैन्युफैक्चरर है, उसको टेबल बनानी है, बराबर, फिनिश गुड बनाना है टेबल। टेबल बनाने के लिए उसको वुड लगा, फेविकॉल लगा, टूल्स लगा, लेबर लगा, नेल्स लगा, बराबर, ये सब लगा। क्या उसको ये सब फ्री में मिला होगा? नहीं सर, खर्चा तो लगा होगा। लेट से कॉस्ट आया, ठीक है, कॉस्ट आया 80 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल, ये सब उसको 80 रुपए मिला। मुझे बताओ क्या ये सब चीजें डेप्रिसिएट नहीं होंगी, इनकी वैल्यू कम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा,
खर्चा भी हुआ ना डेप्रिसिएशन का, लेट से वो हुआ 20 रुपए, डेप्रिसिएशन अपना एक्सपेंस होता है ना, चीजें धीरे धीरे खराब होती है ना, डेप्रिशिएट होती, तो वो भी तो खर्चा हो रहा है। तो ये सब चीजों को, सामान को खरीदने में 80 रुपए लगा, कुछ वियर एंड टीयर हुआ होगा, खराब हुआ होगा, तो उस पर 20 रुपए लग गया डेप्रिसिएशन, तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 100 रुपए पड़ी। क्या ये टेबल को 100 रुपए में बेच दे? नहीं सर, इसमें अपना वो प्रॉफिट भी जोड़ेगा। लेट से प्रॉफिट जोड़ा 20 रुपए, तो मुझे बताओ अब ये टेबल कितने में बिकेगी? सर ये टेबल बिकेगी 120 रुपए में। तो जब आप इस प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट करते हो, क्लियर, जीडीपी कैलकुलेटेड, तो उसको, उस जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट, क्या खर्चा लगा, प्लस डेप्रिसिएशन, बराबर प्लस प्रॉफिट। यही तो किया भाई, कॉस्ट बराबर प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट। जब मैं इस वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो जो मेरी वैल्यू आई गुड्स की, उसको बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया? तो ये हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हो गया? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला जाए जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालो, मार्केट प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट करो, मुझे बताओ मेरी टेबल की सेलिंग प्राइस क्या आई थी? पिछले एग्जांपल में टेबल की सेलिंग प्राइस क्या आई थी? 120 आई थी। तो जब ये मैन्युफैक्चरर टेबल मार्केट में बेचने गया, जब ये मैन्युफैक्चरर टेबल मार्केट में बेचने गया, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, बराबर। तो टैक्स लगाया सपोज 30 रुपए। वैसे तो ये मैन्युफैक्चरर टेबल 120 रुपए में बेचना चाहता था, लेकिन टैक्स लग गया 30 रुपए, तो प्रोडक्ट हो गया 150 रुपए का। लेकिन गवर्नमेंट को लगा यार ये प्रोडक्ट तो महंगा हो रहा है, 150 रुपए में तो कोई नहीं खरीदेगा, तो गवर्नमेंट ने इस पर दे दी सब्सिडी। क्या दे दी? सब्सिडी। सपोज गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी वो दी सपोज 10 रुपए, तो मुझे बताओ अब ये प्रोडक्ट का सेल वैल्यू कितना आ गया? 120 रुपए की टेबल, 30 रुपए का टैक्स, तो 150 रुपए हो गया। लेकिन गवर्नमेंट उस पर 10 रुपए सब्सिडी दे रही है, तो अब यह प्रोडक्ट 140 रुपए में बिकेगा। तो जब आप टैक्स ऐड करते हो और सब्सिडी माइनस करते हो, तो जो वैल्यू आती है, जब आप इस वैल्यू पर जीडीपी निकालते हो, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलता है। क्या निकलता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो नाउ कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस? बिल्कुल, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है 120 रुपए, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बन गया। क्लियर हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस? अब अपन दोनों फॉर्मूले अच्छे से लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले अपन ने समझा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यही समझा क्या था? कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट, ये हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये आपके दो फॉर्मूले निकल गए। क्लियर? कैन यू टेल मी द थर्ड फॉर्मूला? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, क्या ये भी फॉर्मूला बन सकता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का? बिल्कुल बन सकता है। देखो कैसे,
जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का क्या फॉर्मूला है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। तो क्या मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकता हूं? बिल्कुल, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, टैक्स अगर इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस टैक्स, और सब्सिडी अगर इधर चली जाएगी तो प्लस सब्सिडी हो जाएगी, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट समझ लिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस समझ लिया, क्लियर हो गया? ठीक, तो देखो अपन ने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट समझ लिया, ठीक है, नेट वैल्यू एडेड मतलब कॉस्ट एडेड प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब जब अपन जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकाल रहे हैं, देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, या इसको अगर मैं इधर ले जाता हूं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी निकल जाएगा, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, क्लियर हो गया, समझ गया। अब आते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक, अभी अपन ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझा, अब अपन समझ जा रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए आपको पहले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट याद होना चाहिए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या था फॉर्मूला, कॉस्ट बराबर प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट, ये हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बराबर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया, कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट, यही तो था। अगर आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, क्लियर हो रहा है? तो देखो वापस बता रहा हूं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट, अगर आप डेप्रिसिएशन हटा दोगे फैक्टर कॉस्ट में से, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी इज द वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट, देखो क्या क्यों हटाने बोल रहा है, डेप्रिसिएशन में क्या कैश जाता है, नहीं उसमें तो सिर्फ मशीन खराब होती है, आप कोई मशीन की वैल्यू को आप कम करते हो, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो आपको कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट लेना है, लेकिन जो एक्सपेंस आपकी जेब से हुआ ही नहीं है, डेप्रिसिएशन आपकी जेब से हुआ ही नहीं है, तो नेट प्रोडक्ट कितने का पड़ा, नेट प्रोडक्ट आपको जब आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर। एक बार पढ़ लेते हैं फिर अपन न्यूमेरिकल करते हैं। एनडीपी इज द वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, सम ऑफ द कंट्रीज कैपिटल इक्विपमेंट वियर्स आउट और बिकम ऑब्सोलेट ईच ईयर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, हर बार हर कंट्री में कुछ ना कुछ चीजें तो खराब होती हैं। द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल कंजम्पशन इज सम परसेंटेज ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी, जब आप इस वैल्यू को, जो वैल्यू खराब हो रही है जिसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हो, उसको हटा देते हो तो क्या मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है, क्लियर हो गया? ठीक, वापस एक बार समझेंगे, देखो सबसे पहले अपन ने जीडीपी बराबर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट समझा, कैसे निकालेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन बराबर प्लस प्रॉफिट, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, क्लियर। अगर आपको कोई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाले, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, तो कैसे निकालोगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या डेप्रिसिएशन एडेड है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या डेप्रिसिएशन एडेड है, हाँ डेप्रिसिएशन हटा दो मतलब माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, तो वो मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक, क्लियर हो गया, समझा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट से मेरा कॉस्ट है 100 रुपीज, डेप्रिसिएशन है 15 रुपीज, प्रॉफिट है 20 रुपीज, ठीक है,
टैक्स है 30 रुपीज, सब्सिडी है 10 रुपीज। ठीक है, आपको तीन चीजें निकालनी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी नेट डोमेस्टिक। ठीक है, ये तीन चीजें आप निकालिए, वीडियो पॉज करिए और ये तीनों चीजें कैलकुलेट करिए। ठीक है, चलिए आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा बराबर। अब मैं आपको आंसर मैच करा रहा हूं। सबसे पहले क्या निकालना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट बराबर। कॉस्ट कितना है 100, डेप्रिसिएशन कितना है 15, प्रॉफिट कितना है 20 बराबर। तो कितना आ गया 135 आ गया, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 135 आ गया। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या फॉर्मूला है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर प्लस टैक्स माइनस माइनस सब्सिडी। चलो तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया 135 प्लस टैक्स, टैक्स है 30 रुपीज, डेप्रिसिएशन है सब्सिडी है 10 रुपीज बराबर। तो 135 प्लस 35 165 माइनस 10 155 हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर। ठीक है, अब निकालने गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। एनडीपी कैसे निकालते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आया 135 आया, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 15 है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया 120 आ गया। क्लियर हो गया, समझा, आंसर मैच हो गया आपका। ठीक, चलो अब मैं आपको एक और चीज देता हूं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 200, टैक्सेस दिया है 30, सब्सिडी दिया है 10, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस 200 दिया है, टैक्सेस दिया है 30, सब्सिडी दिया है 10, आपको निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करके निकाल लिया होगा। चलो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाएगा बराबर, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको दिया है 200, माइनस टैक्स, टैक्स दिया है 30, प्लस सब्सिडी दिया है कितना 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 आ गया। क्लियर, समझ में आ गए तीनों फॉर्मूले जो मैंने आपको पढ़ाए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर, सो अपन ने क्या क्या देख लिया, व्हाट इज जीडीपी देख लिया, टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ जीडीपी देख लिया, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है वो नेशनल इनकम की जैसी है। फिर अपन ने देखा जीडीपी निकालने के दो बेसिस है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी निकलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी निकलता है। फिर अपन ने समझा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, क्लियर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट। फिर अपन ने देखा जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। फिर अपन ने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, क्लियर, तो आपको निकल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।